देखो कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, रस्सी पत्थर टू एंड फ्रो, सिंपल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम क्या है, रस्सी पत्थर गोल गोल घुमाना, कॉनिकल कोण की तरह घुमाना रस्सी को, कॉनिकल पेंडुलम। तो कॉनिकल पेंडुलम क्या हुआ, कॉनिकल पेंडुलम ये हुआ कि ये आपकी स्ट्रिंग है, ये आपने इसे घुमाया, इस स्टोन को या ऑब्जेक्ट को आपने घुमाया कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे, तो ये कॉनिकल पेंडुलम है। तो पत्थर का मास किसी भी इंस्टेंट, ऑब्वियसली पत्थर का मास m है, ध्यान आगे प्लीज, पत्थर का मास इसमें m है। तो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ क्वेश्चन में गिवन होगी l, और आपने कॉनिकल पेंडुलम बनाया, वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा, थीटा रफ में बना के देखो इसे, थीटा। तो कॉनिकल पेंडुलम थीटा। अब इसमें क्योंकि स्ट्रिंग टाइट है घूमते हुए, तो इसमें क्या एग्जिस्ट करेगी, टेंशन। ये देखो टेंशन टी, टेंशन टी, क्या है पॉइंट, क्लियर है, ठीक है, तो टी। अब इसमें एक और चीज नोट करें, वर्टिकल के साथ, ये देखो वर्टिकल के साथ ये थीटा, तो ये एंगल भी क्या, थीटा। ये पत्थर सर्कल में घूम रहे, तो सेंटर कहां पर है बताओ, यहां पे, मानते हुए चीज इसका सेंटर ये रहा। तो यहां पर टेंशन के दो कंपोनेंट्स हैं, टी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या है, टी साइन थीटा। जो ये पत्थर है वो स्मॉल आर रेडियस में घूम रहा है, स्मॉल आर रेडियस पेपर में गिवन नहीं होगा, एल गिवन होगा। तो आपको स्मॉल आर रेडियस नहीं गिवन होगा, एल गिवन होगा, थीटा गिवन होगा। तो एक काम करना, साइन थीटा स्मॉल आर बाय एल, तो क्या आ जाएगा, एल साइन थीटा, राइट। स्मॉल आर की वैल्यू क्या आएगी, एल साइन थीटा, राइट। अब इसमें इसका वेट कहां करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। टी के कॉम्पोनेंट्स हैं टी कॉस थीटा और एम जी, तो ये एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे पत्थर घूम रहा, ऊपर नीचे जा नहीं रहा, तो यानी कि टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू कितना, एम जी, इक्वेशन नंबर वन, क्लियर है। और ये बताओ कि ये पत्थर सर्कल में घूम रहा है, कितने रेडियस में घूम रहा है, छोटा आर। सर्कल में घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, टी साइन थीटा। कौन सी फोर्स सेंटर की तरफ जाती दिख रही है, टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा का स्क्वायर। अब क्वेश्चन यही है कि बताओ ये कितने ओमेगा से घूम रहा है, आपको ओमेगा बताना है इसका घूमने का, पत्थर का ओमेगा बताना है। तो एम वी, अगर वो वी पूछता तो एम वी स्क्वायर बाय आर, उसने क्वेश्चन पूछना है ओमेगा बताओ, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें रेडियस की वैल्यू तो पता नहीं है, पर हमने निकाल ली एल साइन थीटा इंटू ओमेगा का स्क्वायर, तो टी की वैल्यू क्या आ गई, एम एल ओमेगा का स्क्वायर, क्लियर है यहां तक। तो यहां से काम करते हैं, इस टी को यहां से यहां पुट कर लेते हैं, तो क्या एम एल ओमेगा का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, एम जी, एम से एम कैंसल, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, जी डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा। तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ कितनी, जी डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा। तो ये इसका फॉर्मूला भी तैयार हो गया ओमेगा का, और कॉन्सेप्ट भी बता दिया मैंने आपको, तो क्लियर है यहां तक। तो ये वैल्यू आएगी आपकी इसमें किसकी, ओमेगा की। वो साथ के साथ एक और भी चीज पूछेगा, बता देता हूं आपको, वो पूछेगा कि फाइंड टाइम पीरियड, इस पेंडुलम का टाइम पीरियड भी निकाल लें, क्योंकि ओमेगा किसके इक्वल है, जी डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा, और ओमेगा होता क्या है, टू पाई बाय टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा। तो टाइम पीरियड क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आएगा टू पाई एल कॉस थीटा बाय जी, ये लो।